गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हो पाए। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारम्बारे, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिण हैं ऐसे गए अनंत। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम की लूट है लूटी जाते लूटे, पीछे फिर पछताओगे हे प्राण जहांगे छूट। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रण धीरे, कंस के सी चाणूर से भाई हिरणक से पूबल बीर। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेते, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले, ते बेदना बागुल किए है रहे उर्द मुख झूल। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का है जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूते, जैसे छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाए भली जो जप हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना साम। परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे पिता सबके जनक सर्व उत्पादक परमात्मा प्रभु कबीर साहेब जी, कबीर जी ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और पुण्यात्माओं आपके ऊपर रेम किया उस दीन दयाल ने, आपको ये तत्व ज्ञान समझाया, आप तक पहुंचाया। आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए उस परमेश्वर ने कितने कितने कष्ट उठाए, आप तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न भेष बनाए, और आप जी ने इस काल की भांग को इतना पी लिया कि इस काल के इस नकली सुख,
इस झूठे सुख के नशे में आप भगवान को पहचानना भूल गए। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। हमारे पिता कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, या कोई जीव सुखी नहीं, या सुख नाम की वस्तु नहीं, और आप यहाँ सुख खोज रहे हो और सुख देने वाले उस भगवान की खोज कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, तड़फ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, मैं तुम्हारा जनक हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप जिन्हें ये गलती की जिस कारण से आप इस काल कसाई के यहाँ फंस गए हो। किसी का बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार दी, कोई किसी का जमाई मर गया, किसी के कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, कोई कोड से भुगत रहा है, और शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हम ठीक हैं। यदि आप रोग रहित हैं, कल मृत्यु होगी, फिर गधे बन जाओगे, तो क्या खाक ठीक हो आप? इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आयन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं, किस किस को समझाऊं? इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे एक दो तीन क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1,000 व्यक्ति पी ले, और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी? परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो, आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े, सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहाँ चाहोगे एक सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, फिर खाक क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यही दुख सुख यही ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवन भाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था, वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, एक प्लाट और ले लूँ, दो कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ,
उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे, तुम आप जी को ज्ञान नहीं है इसलिए यहाँ डड़े ढो रहे हो, एक सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में, तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी, जब आपको तत्व ज्ञान होगा आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।